सिखाते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? टोसेंट, टोस्ट नहीं था, टोस्ट खाने का टोस्ट, उसी को बोलते हैं टोसेंट, समझे? अब ये क्या है वो समझिए, देखिएगा, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है? चौरासी। ये क्या लिखा हुआ है? पचासी। ये क्या लिखा हुआ है? 500। ये क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड रोहित, है ना? तो सर 84 का समझिएगा, अभी 84 का टोसेंट फंक्शन निकालना है। क्या निकालना है? 84 का, 84 का निकालना है हम लोग को टोसेंट फंक्शन। अब ये कैसे निकलता है वो समझिए, यूलर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यूलर एक अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था, जो सबका कदर किया था। ये अब देखिए सर, जब 84 का टोसेंट फंक्शन निकालेंगे तो सर 84 को सबसे पहले फैक्टर में तोड़िए, फैक्टर में, ठीक है? देखिए इसको लिख सकते हैं 2 into 42, है ना? इसको तोड़ सकते हैं 2 into 21। क्या अब टूटेगा क्या? नहीं ना सर, अब नहीं टूटेगा। तो अब यहां देखिए सर, 84 को हम लोग किस में तोड़े हैं? प्राइम फैक्टर में तोड़े हैं ना। प्राइम का मतलब जो किसी से ना कटे। ये 2 प्राइम है 2 प्राइम है 3 प्राइम है 7 प्राइम। तो सर इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 के 2 को है 2 का पावर 2 into 3 into 7 लिख सकते हैं ना। टोसेंट फंक्शन निकालने का रूल बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, सुनिए। तो सर ये जो पावर है इसको भूल जाइए, जो भी पावर रहता है उसको भूल जाते हैं, ठीक है? और ये 84 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1/2 से। 3 का 1 कम 2/3 से। 7 का 1 कम 6/7 से। 7 * 21 = 42 42 * 84 6 * 12 12 * 24 तो 84 का टोसेंट फंक्शन क्या हुआ? 24। समझिए पहले, अभी देखते जाइए, फिर देखते जाइए। हाँ अच्छा, देखिए 85 को तोड़ सकते हैं किसमें? 5 into तोड़ सकते हैं ना इस तरह में। तो सर 85 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 से पावर नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमको। 5 का 1 कम 4/5 17 का 1 कम 17 * 85 ये 85 गया 16 चौक। तो 85 का टोसेंट फंक्शन क्या आया? 64। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब 2 का क्यूब और 5 का क्यूब 2 का क्यूब 8 5 का क्यूब 125 125 * 8000 ठीक। 1000 * 1/2 * 4 ये 5 * 10 और 1 0 गया, तो क्या आएगा आपका? 400। तो टोसेंट फंक्शन कैसे निकाल रहे हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है? देखिए सर टोसेंट फंक्शन होता क्या है ना, जिसको आपको नहीं भी जानिएगा तो कोई जरूरत नहीं है,
खाली अगर ये सीख गए बस यही था टोसेंट फंक्शन, उसके अलावा क्या होता है, क्यों निकालते हैं वो पता चल जाएगा, क्या होता है वो नहीं जानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उस समय के लिए मत ही जानिए। देखिए आप, देखिए अभी यूलर क्या बोला, यूलर आपका बोलता है रिमाइंडर थ्योरम का आखिरी थ्योरम है ये यूलर, ठीक है देखिएगा, उसके बाद जो बचा हुआ सभी थोड़ा इजी है। यूलर बोलता है कि नीचे में एक और नंबर हो, वो प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, नीचे में एक और नंबर हो, ऊपर में एक और नंबर हो, वो प्राइम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन एक दूसरे से ये को प्राइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए को प्राइम। आप लोग बोलिएगा सर प्राइम नहीं है लेकिन एक दूसरे से को प्राइम है, ये समझ में आता है ना, हाँ जैसे कि अगर हम ये लिख दें देखिएगा 24, ठीक है, और यहां लिख दें 25 है तो बगल में दिख रहा है, यह लिख दीजिए छोड़ी, ठीक है सर ये क्या प्राइम है क्या, नहीं ना, ये क्या प्राइम है क्या, नहीं ना, पर एक दूसरे से को प्राइम है ना, ठीक है ठीक। देखिए अठारह और ये सात, ठीक है, ये प्राइम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ नीचे में आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे में प्राइम हुआ तो फॉर्मेट लगाएंगे ना, इसको क्यों लगाएंगे हम लोग, ठीक, नीचे में प्राइम नहीं है इसीलिए ये यूलर आया है। सर ये आपका क्या है, प्राइम नहीं है, ये आपका प्राइम नहीं है, पर एक दूसरे से क्या है आपका को प्राइम, मतलब एक दूसरे से क्या कट रहा है क्या, नहीं ना, तो को प्राइम। आप समझिए यूलर क्या बोला है कि नीचे में एगो नंबर हो, ऊपर में एगो नंबर हो, और जो यहां पर टोसेंट को दर्शाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये जो पावर हो वो टोसेंट एन हो, क्या हो पावर, क्या हो टोसेंट एन हो, कैसे समझिएगा, टोसेंट निकालने सीखे थे ना, देखिएगा ठीक, नीचे में एगो नंबर हो रख लेते हैं 85, क्या रख लेते हैं 85, नीचे में एक नंबर रखे थे वहां क्या रख लिए 85, ठीक है यहां तक, एक एक एग्जांपल में समझ जाइएगा, ज्यादा देबोल करेंगे हम, सुनिए ठीक है, ऊपर में एक नंबर होना चाहिए कुछ भी हो जाए, एटी नाइन, ठीक है, एक दूसरे से को प्राइम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और बोले हैं कि जो पावर अगर टोसेंट फंक्शन ऑफ एन, पावर क्या हो टोसेंट फंक्शन ऑफ एन, मतलब 85 का टोसेंट फंक्शन, 85 का टोसेंट फंक्शन क्या निकला था 64, इसका मतलब पावर अगर 64 हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 देता है, क्या देता है रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर हमेशा 1 देता है, बस यही था इसका तरीका, यही था इसका तरीका, यूलर यही बोला था अगर नीचे में 1000 हो और पावर क्या हो 400 और ऊपर वाला एक नीचे वाला से को प्राइम तो क्या देगा रिमाइंडर 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां देखिए, नीचे में आपका 1000 हो और यहां पर आपका 1003 हो, ठीक है, और पावर आपका क्या 400, तो रिमाइंडर क्या देगा 1। नीचे में आपका एक नंबर है, ऊपर में नंबर है, दोनों में को प्राइम है, ठीक, पावर 1000 का टोसेंट फंक्शन क्या है 400, रिमाइंडर क्या देगा, वही तो निकालने सिखाए, निकालना होगा क्या जी ओ आप लोग को बड़ा अच्छा उपाय देते हैं, ठीक है,
समर्थ समय व्यर्थ होगा ही नहीं उससे। आप विश्वास कीजिए 5 मिनट में आप 100 क्वेश्चन कीजिएगा, सब क्वेश्चन को स्किप करते जाइए, जैसे दिखा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखिएगा सारा क्वेश्चन आप लोग 5 मिनट में देख लीजिएगा, समझे? अरे चढ़ाक से लोला देखिए आप। अगर एग्जामिनर इसमें समय खींचेगा आप लोग का, तो आगे एग्जामिनर समय बचाने का भी उपाय दिया होगा, समझे? एग्जामिनर का माइंड अभी तक पढ़े कहाँ है? एग्जामिनर का माइंड तब पढ़िएगा जब मॉक टेस्ट बनाना चालू कीजिएगा, और मॉक टेस्ट बनाइएगा, देखिएगा कि एक क्वेश्चन खींच लिया आपका 1.5 मिनट, और देखिएगा एक क्वेश्चन खींच रहा है 10 सेकंड, एक क्वेश्चन खींच रहा है 70 मिनट, एक क्वेश्चन खींच रहा है 70 सेकंड, और एक क्वेश्चन खींच रहा है आपका 20 सेकंड, तो वो मिली जुली सरकार मैनेज कर देता है, समझे? समझ में आया अब्दुल? अब्दुल नाम है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। देखिए चलिए यहाँ देखिए तार क्यों आए मिथलेश, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पावर क्या है आपका 400 है, ठीक है? तो टोसेंट फंक्शन अगर रहेगा तो आपका रिमाइंडर क्या देगा? 1। बस खाली ये याद रखिएगा, ठीक है? तो सर आप बोले थे कि ये प्राइम, ये किसका फॉर्मेट का ध्यान रखा था, फॉर्मेट का ध्यान रखा था ना, तो ध्यान इसलिए रखा था कि अगर फॉर्मेट क्या बोलता है कि नीचे में क्या हो आपका प्राइम हो, नीचे में क्या हो आपका प्राइम, तो क्या ये नंबर कभी टूटेगा क्या? नहीं ना। तो सर 11 को लिख सकते हैं, 11 को 10, 11 इंट 10 बटा 11, 11 से 11 गया क्या आएगा? तो सर हर प्राइम का टोसेंट फंक्शन उसका एक कम है ना, इसीलिए फॉर्मेट ये बोला था कि अगर प्राइम में पावर एक कम भी रहे तो रिमाइंडर क्या देगा? 1। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक, आइए अब क्वेश्चन करते हैं। पेन ड्राइवर ने लगाए क्या? कितना नंबर क्वेश्चन था? 120 हो गया ना, 120। चलिए देखिए, क्या नीचे में आपका प्राइम है? एक 49 प्राइम है, बोलना जल्दी है, 49 है ना आपका, तो क्या ये प्राइम है? नहीं ना, तो इसमें ना फॉर्मेट लगेगा, अमित लगेगा, लेकिन क्या प्लस माइनस 1 के फॉर्म में बन रहा है क्या? देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसके कोरिलेशन है क्या? नहीं ना, तब लगाइए अब क्या आप लोग यूलर। सर ये 49 को तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर 49 को तोड़िएगा तो आएगा 7 का स्क्वायर, पावर से कोई मतलब नहीं, तो लिख सकते हैं 49 को 6/7, ये कितना आ गया? 42। वेरी गुड। तो इसका मतलब सर देखिए यहां पे ये 49 है और ये 13 है, ये कोप्राइम है ना, इसका मतलब अगर इसका पावर 42 होता तो रिमाइंडर क्या देता? 1 देता ना। लेकिन सर यहां रिमाइंडर 42 है क्या? नहीं। तो इससे 42 खींचिए, 42 इससे निकालिए, समझे? इससे जब 42 निकालने जाएंगे तो 42 को इंटू कीजिए तो किससे? 3 से। 42 तिया कितना होता है? 126 होता है ना सर, जब 42 तिया 126 होता है, लेकिन यहां 126 है कि 127 है? एक बच जाएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 का पावर 40, सॉरी 42 का पावर
इंटू 13 का पावर बटा, किसी को दिक्कत हुआ इसमें क्या? ये रिमाइंडर क्या देगा? और ये 13 को डिवाइड करेंगे 49 से रिमाइंडर क्या आएगा? 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13। अरे सिंपल है यार, इतना अच्छा तरीका से बताते हैं कि सिंपल लगेगा एग्जांपल लेकर के, समझे? देखिए ये प्राइम है क्या? ये क्या है? को प्राइम है सर। तो 18 को जब तोड़ेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, 2 × 9 तोड़ेंगे और 9 का तोड़ेंगे क्या 3 का स्क्वायर, मतलब 2 और 3 आया। तो क्या लिखेंगे? 18 को 18 × 1/2 × 2/2 से 2 गया, ये गया 6 बार में। 18 का टोसेंट फंक्शन क्या आया? 6। मतलब कि ये 75 के जगह क्या रहता? 6। तो रिमाइंडर क्या देता? 1 देता, ठीक है। तो सर क्यों ना इस 75 को हटा करके एक नया तरीका बनाया जाए, है ना? 75 से 6 लीजिए, है ना, तो क्या बच जाएगा? अरे 3 बचेगा। अगर ये 75 से, यहां ध्यान दीजिए, 75 से क्या लेंगे? 6। तो सर ये 12 बार में जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा? 3। तो 3 जो बच जाएगा ये 5 लेकर के बाहर निकल जाएगा। बुझाया ये वाला? तो 5 का पावर अगर क्या रहता? 6। तो क्या था रिमाइंडर? 1। 75 को तोड़े हैं तो 12 में गया है और फिर ये 5 3 लेकर के बाहर निकल गया, रिमाइंडर क्या होगा? देखिए ये 1 देगा, 5 का क्यूब कितना? 125 डिवाइड करेंगे 18 से, 18 × 7 = 126, मतलब -1 मतलब 17। आंसर क्या होगा? 17। समझ में आया? बुझाया ये वाला? ये बन जाएगा आप लोग से? अरे बना लीजिएगा, ठीक है, एक बार। नब्बे को तोड़िएगा पहले, देखिए लिख सकते हैं 2 × 45, लिख सकते हैं 3 × 9, 5 × 9, और ये लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होगा ना, तो ये तोड़िएगा 2 × 5 ×, ठीक है यहां तक? और सर यहां पर क्या लिखिएगा वो देखिए, करने गया 90 ना, 90 × 1/2 × 4/5 × 2/2 गया, 15 × 6 = 6, मतलब अगर पावर 24 रहता तो रिमाइंडर क्या देता? 1। तो सर ये 24 तो है नहीं, 24 × 96 है, लेकिन 2 बच रहा है ना, 53 2 लेकर के बाहर निकल जाएगा, रे बैठ, 53 2 लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो सर इसका मतलब 53 का स्क्वायर बटा 90, यही ना बचेगा, बाकी तो रिमाइंडर 1 देगा। कितना लिखवाइएगा एक चीज बाबू, देखिए आप 53 का स्क्वायर क्या होता है? 50 से 3 ज्यादा है तो 0 9, 25 से 3 ज्यादा है तो 2 × 0 = 90। 53 का स्क्वायर क्यूब सीखना है तो मेरा YouTube चैनल पे जाइएगा, कैलकुलेशन का पहला वीडियो में ही स्क्वायर करने का तरीका, जो शॉर्ट तरीका है वो बताए हुए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। सर यहां देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 90 तिया होता है 270, है ना, तो यहां क्या बचेगा? 10, ये हट गया, 90 × 90 बचेगा कितना? 19। तो रिमाइंडर क्या आएगा? समझ में आया? बुझाया ना ये वाला? ठीक, पीछे सब खुला हुआ है, तुम लोगों को दिक्कत होगा देखने में, आज शायद देख भी नहीं पाएगा कोई, सब जगह चमक रहा है, पूरा पूरा खुला हुआ है।
उठ के सब पता लगा, सब पता लगा दीजिए उठ के। चले सही, एक मिनट सर, देखिए यहां पर अभी आ देगी। 25 का क्या करेंगे पावर यहां पर? सर ये तो माइनस वन देगा ना, और माइनस वन का इवन क्या होगा? वन। यहां तक सही है? ठीक है सर, जो पैतरा होगा यहां वन याद रखिएगा, लास्ट में वन लेना भी है इसको। जो दिक्कत होगा यहां होगा सर, यहां माइनस टू ले सकते हैं क्या? शुरुआत में नहीं लेंगे, मुड़िया नहीं हिलाओ, हाँ नहीं लेंगे, समझे? क्योंकि सर अगर गलती से ले लिए तो पावर 722 है, पागल कर देगा आप लोग को। तो पहले ये पावर को कम कीजिए। सर 25 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है? ये बोलते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 4 बटा कितना आ जाएगा? 20 आएगा ना। मतलब अगर पावर 20 रहता तो रिमाइंडर क्या देता? 1। तो 20 सर, इसको इससे 20 निकालेंगे, 2 बच जाएगा ना, 2 बच जाएगा, मतलब ये 23 जो है सो 2 लेकर के बाहर निकल जाएगा। ठीक है सर, ये जो 23 है ये क्या क्या लेकर निकल जाएगा? 2, और यहां 1 तो ऑलरेडी है, ये 25। ठीक है यहां तक। अब करेंगे यहां -2, -2 का स्क्वायर क्या? 4। तो यहां 4 और 1 5, रिमाइंडर क्या देगा? 5। समझ में आया? अरे मस्ती से बनाते चलिए, बड़ा इजी इजी है, आप लोग कहा ही सब टफ लगता है, टफ लग रहा है क्या? तो यहां देखिए, अब ये जो पावर के ऊपर पावर है ये वाला, ठीक है, तो घबराइए मत, ये और भी एग्जाम सिंपल दिया है, जानते कैसे? देखिए सबसे पहले आप लोग को काम करना है इसके ऊपर, देखिए इसके ऊपर काम करना है, रूल्स सीख लीजिए रूल्स, ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर काम करना है, देखिए कितना इजी लगेगा। ठीक है सर, 9 का टोसेंट फंक्शन क्या होता है निकालिए, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, मतलब 9 इंटू 2 बटा 3, 6 दूनी 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6। ठीक है मतलब 9 का टोटल फंक्शन क्या हो गया? 6। तो सर सबसे पहले ये पावर पे काम कीजिए, 25 का पावर क्या है? 25, टोटल फंक्शन क्या था? 6। तो ये काट सकते 6 चौक 24 बचेगा क्या? 1, और 1 का पावर कितना रहे क्या आएगा? 1। तो ये पूरा का क्या करने पर क्या आया आपका? 1, मतलब रखिए 25 का पावर 1 बटा 9, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 9 दूनी 18 कितना आएगा? 7। देखो देखो सबसे पहले पावर पे काम करना है, ठीक है, पावर पे काम कब करना है? नीचे में आपका क्या हो, प्राइम नहीं है तो फॉर्मेट नहीं लगेगा। ठीक है तो जैसे ही यहां पर 9 बचा, 9 का निकाले टोसेंट क्या आया मेरा? 6। और सर ये पावर हमेशा हम लोग पावर पर ही तो काम करते थे ना, इससे 98 से निकालते थे हम लोग, तो पहले पावर पर ही काम करते थे। तो सर पहले पावर पर काम करना है, पावर को कम करना है, पावर को कम किए तो कितना आ गया आपका? 1। सर 25 का पावर 25, इसको डिवाइड किए टोसेंट फंक्शन किससे? 6 से, तो 6 चौक 24 बचा कितना? 1। 1 का पावर 25, रिमाइंडर क्या आएगा? 1, मतलब इसका पूरा का वैल्यू क्या आया आपका? 1। ठीक है अब यहां देखिए, प्रदीप मोलो देख लीजिएगा पहले क्या, देखिए यहां इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना? तो सर 2 का क्यूब अगर लिख सकते हैं तो 8 का आप लोग टोसेंट फंक्शन निकालिएगा। अच्छा छोड़िए, यहां देखिए 8 15, 8 दूनी 16, ये वही अमित थ्योरम बन रहा है प्लस माइनस वन वाला। तो ये है आपका -1, यहां देगा -1, क्लियर है ये वाला?
सर अगर ये माइनस वन देगा आपका, आप यहां देखिए ये 30 आपका क्या है इवन है और ये 45 क्या है ऑड। सर इवन का पावर कितना भी रहे आएगा तो इवन ही ना, इवन सम का पावर कितना भी रहे, क्या 32 का पावर कितना भी रहे, सर इवन ही तो आएगा ना। तो सर जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका इवन, और माइनस वन का पावर इवन रहेगा तो क्या आएगा वन। समझ में आया? ठीक। अब देखिए यहां पर 16 दूनी 32 क्या बनेगा क्या? नहीं, तो पहले पावर पे काम करना होगा। सर 16 दूनी बढ़िया, देखिए 4 का स्क्वायर होता है तो लिख सकते हैं 16 को 3 बटा ये कितना 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ। ठीक है, गलत लिखा है क्या? हटे यार, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। अरे और तोड़ेंगे ना 4 को, प्राइम में तोड़ना। तो ये कितना हो गया 16 × 1/2, कितना 10% आया 8। तो इसका टोसेंट फंक्शन कितना आया आपका 8। सर अब पावर पे काम कीजिए। सर ये 33 का पावर कितना है 31 बटा कितना है 8, 8 × 32 बचा है कितना 1, 1 का पावर 31 क्या आएगा आपका 1, मतलब ये पूरा का रिमाइंडर क्या आया है आपका 1, मतलब 35 का पावर 1/16, 16 × 32 क्या बचेगा 3। समझ में आया? ठीक है, अब ये तो आपका 97 प्राइम है, 97 प्राइम है ना, 97 प्राइम है तो फॉर्मेट लगाएंगे, एक काम कर देंगे किससे डिवाइड करेंगे इसको 96 से, 96 97 क्या आएगा 1, 1 का पावर कितना रहे क्या आएगा, तो ये पूरा का जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, इसको डिवाइड करेंगे 97 से तो कितना आएगा आपका 16, रिमाइंडर क्या होगा कोई दम नहीं यूलर में और ये बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग का रिमाइंड वो बताएंगे कल, कल छुट्टी है आप लोग का? ठीक है, कल रामनवमी का छुट्टी है, परसों छुट्टी नहीं है, केवल एक दिन छुट्टी है मात्र।